हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज अभिषेक, वेलकम टू। ओए अभी, उम्मीद है आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे होंगे जो आपको खुशी देता होगा। बहरहाल आज थोड़ा सा स्पेशल डे है मुस्कान के लिए, क्योंकि उसका है जन्मदिन आज। और आज हम सोच रहे हैं कि छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर ही लेते हैं, क्योंकि बेचारी का हम इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है उसे, तो सोचा कि थोड़ा सा उसका सेलिब्रेशन मना ही लेते हैं और बेचारी खुश हो जाएगी थोड़ा सा। अभी तो वो ऑफिस गई हुई है, ऑफिस से जब आएगी तो हम स्टार्ट कर देंगे फंक्शन। इतना कुछ खास रहेगा नहीं, अपना छोटा मोटा पारिवारिक हल्का सा फुल्का सा अपन फंक्शन कर लेंगे। फंक्शन का आएगा मतलब केक काट लेंगे, खाना वाना कुछ बना लेंगे, थोड़ा सा डांस वांस कर लेंगे और फिर बस इतने सब करना है आज। तो अभी तो वक्त हो रहा है 4, अभी मैं सोचा कि सो के उठाऊं, नहा धो के बैठा तो सोचा कि शुरुआती टेक तो सही ले ही लूं। तो अभी क्या है कि अब ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं शाम को इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं जो मैं बना रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर करें। अगर आप लोग ब्लॉग्स को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए। ओए अभी, ओके सो आज शेफ है हमारे साथ यहाँ पर प्रियंका मौजूद। और ये देखिए लड़की क्या कर रही है, अभी ये लहसुन काट रही है। क्या बन रहा है प्रियंका? चिकन। प्रियंका चिकन बना रही है। तो अभी आप हमें रेसिपी कुछ बताएंगे, बाद में जैसे जैसे बनाएंगी वैसे बताएंगी। वैसे वैसे ऐड करती रहोगे आप, ठीक है? चलो तो मैं आपसे मिलूंगा जैसे प्रियंका आगे कुछ स्टार्ट करेगी, क्योंकि हमें कूलर भी चलाना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं आपसे ऐसे जुड़ा रहूंगा इस ब्लॉग में एंड तक, क्योंकि आज मुस्कान का बर्थडे। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे। शूट चल रहा था, मैंने इनसे ले लिया और इधर से प्रियंका का कॉल आया कि देखो भैया कुछ एक्स्ट्रा तैयार हो रहा है इधर, तो आके वीडियो ले लो। तो ये अब लड़की जो है, पहले तो ये अपना एप्रिन पहन रही है, एप्रिन पहन के अब ये हमको बताएगी रेसिपी कि वो चिकन में क्या क्या कर रही है नेक्स्ट। पहले तुमने क्या करा था? कुछ नहीं ना? अभी क्या हुआ ऐड? अभी मैंने कुकर रखा है इस पे, गरम होने के बाद इसमें ऑयल डालूंगी। हाँ, वो जैसे गरम होगा फिर दिखाते रहूंगी। ये किस चीज का पेस्ट है? ये वाला व्हाइट वाला उधर वाला, और ये मसाले हैं सारे, ये लहसुन और उसका अदरक का पेस्ट है। पेस्ट है सारा ये? अरे वाह, तो कुछ टेस्टी सा ही बन रहा है। ओके प्रियंका क्या ऐड करा? मैंने ऑयल गरम कर दिया, इसमें तेज पत्ता डाल दिया, ये ब्राउन हो गया। इसमें मैंने अदरक लहसुन का कलर देख सकते हैं क्या हम? थोड़ा सा कुकर तिरछा करके दिखाना, ये अभी इसका कलर नहीं आया। हाँ। थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे। हाँ। फिर ये हल्का ब्राउन होगा। हाँ। फिर मैं इसके बाद इसमें प्याज ऐड करूंगी। प्याज का, और ये किस चीज का था? मसाले, वो सारे मसाले ये सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कुछ टेस्टी सा बन रहा है, और मैं आपको पूरी विधि दिखाऊंगा। उसके बाद इसका बर्थडे का केक भी काटना, वक्त हो चला है 9:35 और अभी तक केक भी नहीं काटा। मैं सोच रहा हूँ केक काट लेंगे, पर यार वो चिकन बना रही है तो पहले उसको फ्री हो जाने दो, उसका एंड में केक काट लेंगे सुकून से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ठीक है। ब्राउन हो गया है, उसके अब मैं इसमें डाल दूँ प्याज, थोड़ा सा उधर लगे। अरे हैट्स ऑफ टू दिस भाई गर्ल, पिछली बार आई थी ना जब, ये सबसे पहले तो हैट्स ऑफ है प्रियंका को, इतनी गर्मी में खड़े होकर बेचारी चिकन बना रही है, उसको पूरा फाउंडेशन निकल गया कर रही है। बहुत टफ है यार किचन में काम करना, तो बहुत इसको हेड्स ऑफ है कि भाई हमारे लिए खाना बना रही है बेचारी खड़े होकर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रियंका। और कैसा बनता है ये सब आपको टेस्ट करके बताएं, क्योंकि मैंने तो नॉनवेज छोड़ रखा है, मैंने पनीर बनाया, अम्मा ने पनीर बना रखा है, मैं तो पनीर खाऊंगा। मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा पनीर कैसा बना और चिकन का ये लोग टेस्ट बता देंगे। अरे मुस्कान की फ्रेंड है, उसको बेचारी को किचन में खड़ा करके खुद बैठी हुई है, भाई कैसी सी यार। तो अभी प्रियंका ने इसमें चिकन डाल दिया, चिकन दिखाना करके, ये देखो लाइट का थोड़ा इशू है किचन में, तो मैंने रिंग लाइट लगा रखी है जिसकी वजह से आपको शायद थोड़ी सी लाइट भी ठीक लगे। तो पाँच दस मिनट पकेगा ये, और तो भाई किचन में गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। प्रियंका का कॉल भी आ रहा है, प्रियंका कॉल उठा लो। ओके सो वक्त हो चला केक कटिंग का और खाना बन ही रहा है, और चिकन की जो रेसिपी उतने वो हम कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि हम नॉर्मली घर में खाना बना रहे हैं और उसके आपको रेसिपी क्या बताने का, आपको रेसिपी वाला चिकन खाना तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर लो, इतना ज्यादा खाना तो, अरे उसको क्या परेशान करूँ, बार बार बुलाना पड़ रहा है उससे। तो अभी क्या है,
अभी इसकी केक कटिंग की सेरेमनी दिखा देते हैं, लास्ट में दिखा दूंगा वो सब दिखा दूंगा। तो अभी का केक कटिंग का टाइम हो चुका है 10 बज गए एग्जैक्ट, तो केक कटिंग कर लेते हैं 10 बजे। अब यहाँ पर केक जो है रेडी हो चुका है, मुस्कान ये देखो। ओके सो यहाँ पर ये देखो केक, यहाँ पे मुस्कान का नाम लिखा हुआ है, करूँ हाथ हटाई हो, और यहाँ पर भी मुस्कान का नाम लिखा हुआ, वो छोड़ दो आप। और तो मैं तेरा कुछ बोल ही नहीं रहा यार, डर क्यों रही है? ये मुस्कान का तिलक हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी। मम्मी का मुंह पे केक छिड़क गया। मम्मी एक और, एक और। ये देखो पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, पानी बिल्कुल ऐड नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं, एक बूंद भी नहीं डाली। अरे वाह, तो देखो क्या। और आपको मैं एक चीज और बता कि भाई क्या स्मेल है, मतलब क्या खुशबू महक रही है, क्या खुशबू महक रही है पूरे घर में। ऐसे पता नहीं क्या उसने डाला, मसाले पूरे एकदम, मतलब कच्चे मसाले डाले थे और फिर भुने, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी का नाम ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि मैं तो पनीर खाया। और देखो यहाँ पर लगी हुई है चौकड़ी, ये देखो, इसे चिकन मोमोज पसंद है प्रियंका को, तो चिकन मोमोज आए थे, चौमिन वामिन सब खा रहे हैं। पिज्जा बोल दिया क्या मैंने? सॉरी, चौमिन मोमोज चल रहे हैं। और ये देखो आप थोड़े से, मैं भी चौमिन मोमोज खा लेता हूँ और फिर मैं आगे की बताता हूँ क्या सीन है। अभी तो क्या कि थोड़ा डांस वांस करने का प्लान चल रहा है, तो बूफर हमारा चार्ज पे लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें बैटरी खत्म हो गई थी, तो हमने बूफर चार्ज पे लगा दिया सबसे पहले, हालांकि थोड़ी देर हमने गाने बजाए पर बंद हो गया फिर वो, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी देर बूफर चार्ज होने के बाद हम फिर से गाने बजाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा दिखा देंगे भाई कैसा वैसा मसला हो रहा है। और उम्मीद है आप सबको ये थोड़ा बहुत जो हमने गा, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी और थोड़ी बहुत जो केक कटिंग करी, आपको अच्छा लग रहा होगा ये ब्लॉग। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।